शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम और उनकी आल पे। अस्सलाम वालेकुम मेरे देखने वालों, आप कैसे हो? आज हम जिस रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं वो है स्टीम रोस्ट। सबसे पहले जो चीज़ें हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे वो आपके सामने है, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये लेग पीस हैं, 4 अदद है, और 3 टीस्पून जो है वो नमक की है, और 1 कप सिरके का है। सबसे पहले एक पीस लेके ये बड़ी नाइफ ले लेनी है, तेज़ वाली, इसके साथ इसको और ना टक लगा लेनी है अंदर तक। अच्छी तरह ये दूसरा पीस लिया, उसको भी ऐसे अंदर तक टक लगा लेनी है। इसी तरह जो जितने भी पीस हैं उनको सब को ना टक लगा लेनी है, फिर मैं बताती हूँ आपको। जी भी बस इसको मैंने डीपली कट लगा दिए। अब इसमें मैं सिरका और नमक लगाऊंगी, जो कि ना 4-5 घंटे के लिए मैं इसे ना लगा के छोड़ दूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक एक पीस के ऊपर है वो सिरका गिराना है, अच्छी तरह वो अंदर तक चला जाए। बिस्मिल्लाह रहमान। ये मैंने ना पूरा कप लिया था, वो कुछ ज़्यादा था इसलिए ये इतना सा छोड़ दिया। अब मैंने पीसों को नमक लगा दिया, जो कि 4 और 5 घंटे के लिए मैं इसे रख छोड़ूंगी, तो फिर उसके बाद फिर दोबारा ना आपको बताऊंगी मैं। जी सिरका और नमक लगा के मैरिनेशन किए हुए से ना 4-5 घंटे हो गए हैं। ये इसलिए सिरका और नमक लगाते हैं कि जो चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, और एक अच्छी तरह ये गल जाएगा अंदर तक। जब मसाला लगाएंगे स्टीम आसानी के साथ अच्छी तरह हो जाएगी। अब इन पीसों को एक एक कटा के मैंने इन्हें वॉश कर लेना है, फिर इसे टोकरी में खुशक करके फिर इसे फ्राई करना है। जी ये सिरका और जो नमक लगा हुआ था उसको मैंने अच्छी तरह पानी के साथ धो लिया, अभी शक्ल में हो गए हैं, अब इनको एक एक करके फ्राई करूँगी। अब मैंने ना 3 पाव दही लिया मैरिनेशन के लिए, और ये जो नमक मिर्चें हैं ये 1 टीस्पून जो है वो नमक की है, 2 टीस्पून जो है वो सिर्फ मिर्चों की है, 3 टीस्पून जो है वो ना सूखा धनिया और जीरे की है, और 1.5 टीस्पून जो है वो गरम मसाले की है। नमक अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप। अगर आप ज़्यादा तादाद में फैमिली में मेंबर हैं तो आप वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, दही की किलो कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पीसीज हैं तो किलो कर दें,
अगर उससे काम है तो आधा किलो ले लें मैरिनेशन के लिए दही को। बिस्मिल्लाह रहमान जी, मैंने इसको पूरा इसे फ्राई नहीं किया, बस इसे मैंने इसलिए बस इतना रखा है, लाइट सा ब्राउन किया है कि इसे मैंने स्टीम देना है दही लगा के। जी ये काली मिर्ची इसमें मैं डालना भूल गई थी, ये हाफ टी स्पून डालनी है। जी व्यूअर्स, मैंने इसको हल्का सा ये ना फ्राई किया है क्योंकि इसे मैंने स्टीम देना है, इसलिए ज़्यादा मैंने इसे नहीं डीप फ्राई किया। अब इसको मैं मैरिनेशन करने लगी हूँ दही के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ऐसे ऐसे करके इसको अच्छी तरह दही में डिप करना है, अच्छी तरह इधर साइड पर करी जाना, एक एक पीस उठाना है इसको अच्छी तरह। ये मैंने चूल्हे के ऊपर स्टीम देने के लिए देख कर रखा है, इसमें डेढ़ गिलास जैसे पानी का। और इस तरह का अगर स्टैंड बाज़ार से इजीली मिल जाता है वो आसानी से ले लीजिएगा, जे इसको ऐसे रख देना है। ये इसलिए रखा है, इसके ऊपर एक एक पीस मैंने रोस्ट कर रखना है कि वो अच्छी तरह उसे स्टीम हो जाए। जी जी, पानी को ना बबल्स आ रहे हैं पानी में, अब एक एक करके ये रखे जाना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें व्यूअर्स, शादियों की तरह कितना खूबसूरत और मज़े का यह मैंने स्टीम रोस्ट बनाया है, जो देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना लजीज होगा। ऐसे ये होटलों में भी ऐसे ही सर्व होता है, मज़े का बनाते हैं, तो आप इसको बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। ये आपकी मोहब्बत है जो हमें मिलती है, आप में बताया करें कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसके बारे में भी बताया करें, जो बुरी लगती है उसके बारे में भी बताया करें। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ट्राई करके बताइएगा कि कैसी लगी।